Yeah, sure, I'll let you know. Yeah, okay. Daniel. All right. Okay. Okay, bye. यार वो मैं कह रहा था कि ओके या हेलो या श्योर श्योर बाय बोलो यार वो मैंने कुछ पैसों का तकाजा किया था ना तो उससे उसका कुछ बना गया यार मैंने सोचा इस बारे में तेरी हालत देख के मुझे तरस भी आ रहा है हाँ यार मेरे घर के बाहर कर्जदारों की लाइन लग गई है और कुछ खर्चे भी हैं प्लीज़ कुछ करना प्लीज़ वो तो ठीक है लेकिन यार तेरी हालत देख के फिर मैं सोचता हूँ कि तू कर्जा वापस कैसे करेगा यार करूँगा ना यार कर देता हूँ ना प्लीज़ ठीक है लेकिन मेरी कुछ शराय तुझे माननी पड़ेगी बोल क्या जैसे कि तू ये जो बेजा शॉपिंग करता है ना ये इस पर फजूल खर्ची करता है तुझे बंद करनी पड़ेगी सही दूसरा ये जो तू स्नूकर वगैरह खेलता है ये भी बंद करना पड़ेगा कर दिया और हाँ ये जो तू सबा को हज़ार रुपये का लोड कराता है ना ये भी बंद करना पड़ेगा यार ये क्या बात हो यार उसकी अम्मा हॉस्पिटल में यार ये देख ये फिर तेरी गैर संजीदगी चल ठीक है यार तू बस पैसे दे दे यार और हाँ मैं पैसे तुझे किस्तों पे दूंगा अबे किस्तों में क्यों पैसों की फौरन जरूरत है ताकि मैं ये भी देखूँ ना कि तू शराय पे पूरा उतर रहा है कि नहीं चल बाय भाई इसी तरह का कुछ काम IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है जो अपने मेंबरान ममालिक की मईशतों को बचाता है लेकिन IMF क्यों ऐसा करता है IMF कब बना और इसको कौन चलाता है आए इस तरह के कुछ सवालात के जवाबात हासिल करते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब दुनिया ने बेतहाशा तबाही देखी और फिर ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया तो 1944 में ब्रिटेन वुड्स मुआहदा हुआ जिसमें 44 ममालिक ने यह फ़ैसला किया कि अब वर्ल्ड बैंक और IMF तश्कील दिए जाएंगे जिनसे दुनिया की बहाली मुमकिन हो सकेगी। जहाँ वर्ल्ड बैंक का काम था कि वो दुनिया में इंसानी नशोनुमा और तरक्याती प्रोजेक्ट्स की सरबराही करेगा वहीं IMF का काम था कि वो ममालिक की मईशतों को बहाल करवाएगा और उनकी मुआवनत करेगा। अब सवाल ये है कि IMF चलता कैसे है और IMF के पास ये पैसे आते कहाँ से हैं जो कि ये इन ममालिक को लोन देता है तो IMF चलता है 190 मुल्कों की शराकतदारी यानी कि कंट्रीब्यूशन से जिसमें से US, चाइना, जापान, जर्मनी और UK सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं और यही वजह है कि IMF का 50% से भी ज़्यादा का कोटा इन्हीं ममालिक के पास है। इन 5 ममालिक में भी डॉलर का वज़न सबसे ज़्यादा है और इसकी अहमियत ऐसे भी पता चलती है कि IMF के पास जो रिज़र्व्स हैं मतलब उसके पास जो दौलत का ज़ख़ीरा है उसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स में नापा जाता है। इसको एक टोकरे की मिसाल में समझें जहाँ यूरो भी है जहाँ पाउंड स्टर्लिंग भी है जहाँ जापानी येन भी है और जहाँ चाइनी रेनमिन भी है वो 4 करेंसियाँ एक तरफ और डॉलर एक तरफ जो कि तकरीबन उस टोकरे का आधा हिस्सा बनता है। अमेरिकी डॉलर इसलिए भी इतना ताकतवर है कि उससे दुनिया की 80% ट्रेड होती है और उसके पास मतलब अमेरिका के पास दुनिया का 70% गोल्ड तस्वर किया जाता है जिसकी वजह से अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन मईशत है। अब IMF को क्या पड़ी है कि वो इन मुल्कों की डूबती मईशत को सहारा दे। इसे समझने के लिए हमें डोमिनो इफेक्ट को समझना पड़ेगा। जब भी किसी मुल्क को माशी मुश्किलात दरपेश होती हैं तो उससे ना सिर्फ वो मुल्क सफ़र करता है बल्कि उससे तिजारत करने वाले तमाम मुल्कों की मईशत को भी नुकसान पहुंचता है और इसका नुकसान किसी न किसी दर्जे पे आलमी मईशत पे भी पड़ता है। भाई अब IMF कोई वेलफेयर का अदारा तो है नहीं कि वो सदका खैरात बांटता फिरे तो हाँ इसमें इसके मफादात भी शामिल हैं जैसे कि वो मकरूज़ ममालिक से तकाजा करता है कि वो उसको सूद की अदायगी भी करेंगे और वो उनसे मनमानी पॉलिसीज़ भी मनवाता है जिसका फ़ायदा बिलाखिर उन्हीं बड़ी मईशतों को होता है जो IMF में अपने बड़े कोटाज अदा करती हैं। जैसे कि हाल ही में पाकिस्तानी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा किया वो इसलिए कि IMF ने लोन देने से पहले चंद शराइत के ऊपर बात की है कि पाकिस्तान सब्सिडीज़ देना और गैर ज़रूरी खर्चे करना बंद कर दे इसके अलावा टैक्सेस में इजाफा करे और मसनूई तौर पर डॉलर को कंट्रोल करने के बजाय करप्शन के खात्मे पर ध्यान दे। यार वो इस महीने थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया उस वजह से मेरा बजट आउट हो गया तो वो कुछ लोन। अबे भाई लेकिन तुम तो पहले डिफ़ॉल्ट हो चुके हो।